साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, एक वैकेंसी आई है इंडियन पोस्ट जीडीएस की, इंडिया पोस्ट जीडीएस की जो वैकेंसी आई है, उस वैकेंसी का फॉर्म कैसे आप ऑनलाइन करें और उसके सारे डिटेल्स के विषय में। तो इसके लिए आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। तो जैसे अभी सरकारी रिजल्ट पे हम लोग मैक्सिमम जो है जो भी वैकेंसी जाते हैं उनको विजिट करके देखते हैं, तो आज मैं आपको सरकारी रिजल्ट से ही बताने वाला हूँ कि आप कैसे उस फॉर्म को भरें। तो जैसे ही आप सरकारी रिजल्ट को ओपन करते हैं, तो सरकारी रिजल्ट .com लिख के आप जैसे ही ओपन करते हैं, तो यहाँ लिख के आता है इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन फॉर्म 2023। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं, तो आपके सामने इसका अगला विंडो आ जाता है और यहाँ पर देखेंगे नीचे की तरफ तो इसका सारा डिटेल लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे जो पोस्ट का नाम है, जो आपका वैकेंसी है, इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्वायरमेंट रिक्रूटमेंट 2023 अप्लाई ऑनलाइन, कितने पद हैं टोटल, 12,828 इसमें पोस्ट है। और ये फॉर्म कब अपडेट हुआ है, 22 मई 2023 को 11:22 पे मॉर्निंग में जो है ऑनलाइन अपडेट हो गया है। उसके बाद बहुत सारी डिटेल्स और यहाँ पे दी हुई हैं, तो आइए हम उन डिटेल्स को भी जानते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट जीडीएस, ये जीडीएस की वैकेंसी है। अब यहाँ पे कुछ चीजें हमें जो ध्यान देने योग्य चीजें हैं वो मैं आपको दिखा दूं। जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स, ये कब फॉर्म शुरू हुआ, तो बिगिनिंग हुआ 22 मई 22/5/2023 से। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 11/6/2023। इसमें जो फी पे करनी है उसका लास्ट डे है 11/6/2023। करेक्शन की जो लास्ट डेट है वो है 12 जुलाई, सॉरी दिसंबर, 14 दिसंबर, नहीं यहाँ पे, हाँ 12 से 14, 2 दिन, सॉरी 12 से 14, 2 दिन का है। 12 और 13 और 14, ये 12 13 14, 3 दिन आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं जून महीने में 2023 में। और इसकी जो मेरिट लिस्ट आएगी वो आएगी, मतलब अभी कोई फाइनल उसका डेट नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे मेरिट पे ही सिलेक्शन होना है। अब उसके बाद हम बात करें यहाँ पे, तो इसमें जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं उनको जो फी पे करनी है वो 100 रुपीज है, और एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप 0 है, और फीमेल जो भी कैंडिडेट हैं उनको कोई भी फी पे करनी नहीं है। अब हम नीचे की तरफ यहाँ पढ़ते हैं, तो इसमें एज एज की जो लिमिट है वो ध्यान दीजिएगा, 11/6/2023 को आपकी जो एज होनी चाहिए वो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल होनी चाहिए। इससे कम या इससे ज्यादा एज होने पर आप वैकेंसी से आउट होंगे। अब हम बात करें यहाँ पे, तो टोटल वैकेंसी जो है वो 12,828 पोस्ट है। किस किस चीज की पोस्ट है ये भी देख लें, तो ग्रामीण डाक सेवा जीडीएस की पोस्ट है, और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है 10th, कम से कम 10 पढ़े होना चाहिए, हाई स्कूल पास होना चाहिए, 10th अगर आप पास हैं तभी आप कर सकते हैं। दूसरा, मैथमेटिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, ये भी ध्यान दें कि आप मैथ और इंग्लिश ये दो चीजें आपके हाई स्कूल में होनी चाहिए। अगर ये दो सब्जेक्ट नहीं है तो आप इस फॉर्म के लिए क्वालिफाई, मतलब इस फॉर्म में आप अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा, आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए अपने यहाँ का, आप जहाँ का, जैसे यूपी का भर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का जो लोकल लैंग्वेज है, उत्तराखंड का भर रहे हैं, बिहार का भर रहे हैं, जिस भी आप राज्य का भर रहे हैं तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। और ज़्यादा डिटेल्स के लिए यहाँ पे लिखा है, नोटिफिकेशन पढ़ लें। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश यूपी में हिंदी बोलना है, और यहाँ पे कम से कम यहाँ पे जो टोटल सीट है वो 160 है। उत्तराखंड में भी हिंदी ही बोलना है, 40 सीट है, बिहार में भी हिंदी बोलना है। तो यहाँ पे आप देखें लगभग लगभग स्टेट में जो है हिंदी है, जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे हिंदी और उर्दू दोनों चाहिए, तो यहाँ पे 89 पोस्ट है। और फिर नीचे आते हैं, जैसे केरला में यहाँ पे मलयालम होना चाहिए लेकिन यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं है, पंजाब में पंजाबी आनी चाहिए, महाराष्ट्र में आपको कोंकणी मराठी आनी चाहिए। फिर यहाँ पे इस तरीके से आप देखें तो हर एक राज्य के लिए, बंगाल के लिए बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, मैनपुरिया इंग्लिश, मिजो ये आना चाहिए, उड़ीसा में उड़िया आना चाहिए, तो हर
हर एक राज्य में अलग अलग लैंग्वेज है, तो इस लैंग्वेज को ध्यान दें कि आप जिस राज्य के लिए अप्लाई कर रहे हैं क्या उस राज्य का लैंग्वेज आपको आता है, वहां का लोकल लैंग्वेज आता है, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब हम दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये बहुत सारे डिटेल्स और हमारे सामने हैं, तो क्या क्या कैसे कैसे भरना है। जैसे इसमें आपको भरने के लिए सबसे पहले तो आपका जो है बाइक का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। बाइक का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो भी जो है आपको प्रॉब्लम होगा, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है, तब आपको फॉर्म अप्लाई करना है। अब हम नीचे की तरफ आते हैं, इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करें। दोस्तों अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आप पूरा नॉलेज नहीं ले पाएंगे, इसलिए वीडियो को जरूर पूरा देखें। तो सबसे पहला काम यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन के सामने, रजिस्ट्रेशन, फिर इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल जाता है। यहाँ पे इस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे रजिस्ट्रेशन में मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन तो कर नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर भरें, मोबाइल नंबर भर के आप वैलिडेट मोबाइल नंबर कर दें तो मोबाइल पे चला जाएगा, फिर ईमेल आईडी भरें, ईमेल आईडी फिर वैलिडेट कर दें, ईमेल पे भी एक ओटीपी जाएगा और मोबाइल पे भी, तो यहाँ से ईमेल और मोबाइल दोनों वैलिडेट हो जाएंगे जब आप ओटीपी फिल करेंगे। अगेन यहाँ पे अपना नाम भरना है और ध्यान दें यहाँ पे वही नाम भरें जो आपके हाई स्कूल के मार्कशीट में हो, फिर फादर नेम ये भी वैसे ही भरें, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपका जो है, फिर उसके बाद यहाँ पे अपना जेंडर भरें, मेल है फीमेल है जो भी है, फिर उसके बाद यहाँ पे आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो यू आर को सेलेक्ट करें, अगर आप ई डब्ल्यू एस जनरल हैं तो ई डब्ल्यू एस को सेलेक्ट करें, ओ बी सी में हैं, एस सी हैं, एस टी हैं तो आप इनको सेलेक्ट करें, फिर उसके बाद यहाँ पे आप सबसे पहले सेलेक्ट करें, जैसे यहाँ पे लिखा है कि आपने जो हाई स्कूल पास किया वो कौन से राज्य से पास किया, तो यहाँ से वो राज्य सेलेक्ट कर लें, फिर उसके बाद यहाँ पे कौन से ईयर में पास किया, और फिर यहाँ पे आप ये कैप्चा फिल करें। तो जैसे ही कैप्चा फिल करते हैं तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप ले लें। रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के बाद वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका गुम नहीं होना चाहिए, उसको लिख के रखिएगा। फिर आपको क्या करना है, जैसे ही वो कंप्लीट होता है तो यहाँ पे आपको पार्ट टू करना है, पार्ट टू पे आए, फिर आपने जो रजिस्ट्रेशन नंबर लिया है उसको यहाँ पे फिल करें, और यहाँ पे आप जिस राज्य के लिए भर रहे हैं वो राज्य चुन के सबमिट करें। जैसे ही सबमिट करते हैं आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाता है, तो एप्लीकेशन फॉर्म में आपको क्या क्या चीजें भरनी है वो आप जान लीजिए। यहाँ पे आपको अपना डिटेल, जैसे आपको कौन सा लैंग्वेज आता है, साथ साथ आपको एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत और जानकारी, फोटो वगैरह अपलोड करनी है, फिर आपको कौन वैकेंसी के लिए आपको अप्लाई करना है, फिर यहाँ पे आपका फाइनल एप्लीकेशन प्रिंट होना है। इतना करने के बाद अगर आप जनरल कैटेगरी या ओबीसी में हैं, मतलब जो भी फी पे करने वाले हैं, तो आप तीसरे स्टेप पे आ जाएं, पे फी। तो यहाँ पे जैसे ही आते हैं तो आपके सामने इस तरह से विंडो खुल जाएगा। यहाँ पे आप क्या करें, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करें, रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट करना है, फिर आपके पास फी पेमेंट का एक विंडो खुल जाएगा जहां से आप फी पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो या आपको वीडियो में कहीं कोई एक्सक्यूज लगा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।